अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ इम्सास चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा और आज हमारा सातवां रोजा है। आज संडे है। पैन में मैंने आधा कप ऑयल डाल लिया है। अब हम डाल लेते हैं चिकन अपना इसमें। और पहले जो है ऑयल में प्याज लाल करनी होती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास फ्राइड ऑनियन है इसलिए मैंने ऑयल में डायरेक्ट चिकन डाल दिया ताकि मैं पहले चिकन को भून लूँ। और अगर आपके पास फ्राइड ऑनियन नहीं है तो आप दो नॉर्मल प्याज़ें लेके वो फ्राई कर लें, और प्याज को फ्राई करने के बाद आपने उस सारी प्याज को ऑयल से निकाल के टिश्यू के ऊपर या किसी साफ पेपर के ऊपर फैला देना है ताकि जितना भी उसमें ऑयल है वो पेपर जो है वो टिश्यू पेपर या जो भी पेपर है वो ऑयल को जज्ब कर ले और जो प्याज है वो क्रिस्पी सी हो जाएगी। ठीक है, उसको हवा लगने दें ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। मैं बताती हूँ कैसे। ये एक टिश्यू लिया और लेके इसके ऊपर जो आपने ओनियन फ्राई की है वो आप इस तरह से इसके ऊपर फैला दें और बिल्कुल ऐसे ताकि उसका सारा जो भी ऑयल है वो ये पेपर जज्ब कर ले और ये ड्राई हो जाए। तो देखिए मेरी जो है ये मेरी है इसी तरह की है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास फ्राइड है। ठीक है, ये देखिए आपने इसको इस तरह से चेक करना है कि ये इस तरह से टूट रही है आपकी। ये देखिए इस तरह जब फ्राई होके ये ड्राई हो जाए तो फिर ठीक है। और पहले आपने प्याज लाल करके इस तरह बिछा लेनी है और फिर उसी ऑयल में आपने चिकन डाल के फ्राई कर लेना है। कोरमे में ऑयल ज़्यादा होता है। चिकन जो है वो हो गया है, फ्राई हो गया है। मैं बना रही हूँ तो पता लगा जी अदरक जो है वो हमारी ख़त्म हो गई है। तो पहले अदरक पीस लूँ। पहले अब ज़रा इसको पीस लें, काम करते हुए पता लगे ना कि ये कोई चीज़ नहीं है तो फिर बड़ा ही ना गुस्सा आता है। चलें अब पहले मैंने अदरक जो है वो पीस लिया है। दोबारा से कोरमा अपना स्टार्ट करते हैं। देखें मैंने अदरक पीस लिया है और मैं ये सारा ऑयल इसके अंदर जज्ब हो गया था। अदरक ने अपना पानी छोड़ा है, जो भी है इसमें पानी वो अदरक का अपना है। और मैंने बाद में ऊपर से ऑयल थोड़ा सा और डाल दिया है ताकि ये ख़राब ना हो। और ये ना ऑयल में पीसने से ये होता है कि इसको कभी भी वो ग्रीन ग्रीन सी नहीं होती है। ठीक है, ये अब हमने अपने कोरमे को दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया है तो हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें सबसे पहले डालती हूँ लहसुन, ये 1 और 2 टेबलस्पून। ठीक है, और साथ ही मैं इसमें अपना डालूँगी जिंजर पेस्ट, अदरक का पिसा हुआ अदरक, अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और ये 2 टेबलस्पून। ठीक है, इसको थोड़ी सी देर भून लेते हैं अदरक लहसुन को अच्छे से। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया भर के, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून जो है मैं रेगुलर मिर्च डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। और अगर आपको ज़्यादा फ्लेवर पसंद है ना गरम मसाले का तो आप 1 टीस्पून डालिएगा, मैं कम डाल रही हूँ। मसाला डालने से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अच्छा, दही इसमें तकरीबन 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, ये ले। अच्छा, मैं ये 1/2 टीस्पून है ये मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये मैंने डालनी नहीं थी लेकिन मैं इसलिए कि बहुत तेज़ हो जाती हैं मिर्चें, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि कोरमे का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं साथ ही। ठीक है, वो मैं नहीं डालूंगी क्योंकि फिर मिर्चें हो जाती हैं, चाहे कोई भी मिर्च हो सब तीखी ही होती हैं। तो मैंने तो वाइट पेपर भी यूज़ करके देखी है, वो भी लेकिन ना तकलीफ देती है। इसमें ऑयल कितना ज़्यादा है, परी तैर रहा है, तो कोरमे में ऑयल ज़्यादा ही डलता है।
अभी मैंने मीडियम टू लो हीट रखी है, थोड़ी देर चिकन गल जाए इसको कवर करते हैं। इतनी देर में हम इस अपनी प्याज को ग्राइंड करते हैं। हम इतना इसको इसमें अपने ग्राइंडर में अपनी मिक्सी में डाल लेते हैं। ये प्याज सारी जो है पिस गई है, तो अभी हम इसको रखते हैं। और मैंने इसको कब यूज़ करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने हीट हाई कर दी है ताकि ये अच्छे से भून जाए। इसमें पानी बहुत छोड़ दिया है चिकन ने और दही ने, क्योंकि चिकन मेरा फ्रोज़न था। तो चलो इसमें इसको हम अच्छे से ड्राई करते हैं पहले। ये तकरीबन जो है ना ड्राई हो गया है पानी, और इसको मैं साथ साथ भून लेती हूँ और हीट में थोड़ी हल्की करती हूँ, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था इसलिए हीट मैंने तेज की थी। तो हमने इसको बस ऐसे ही थोड़ा भून लेना है ताकि दही की और ज़रा सी लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो निकल जाए। इसको हम हल्के हल्के से भून लेंगे। कितने अच्छे से भून गया है ये देखें। तो कोरमा तकरीबन हमारा तैयार हो गया। तो आप लोग कह रहे हैं जब कोरमा तैयार हो गया तो वो प्याज का क्या किया, तो अब मैं आपको बताती हूँ। मीडियम टू लो हीट कर दी है मैंने और बिल्कुल हल्की कर दी है, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ ऊपर ये सारी प्याज जो मैंने ग्राइंड की है वो इस पर मैं ऐसे डाल दूँगी, ठीक है। ये देखें ये सारी मैंने इस पर डाल दी है। देखिए अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। हीट हमारी लो है, ठीक है। इसमें मैं ना थोड़ा सा पानी डालूंगी, ऐसा और डाल रही हूँ ये ले, ठीक है। ये देखें हाफ कप के करीब डल गया है, ये हाफ कप से भी बल्कि ज़्यादा पानी डाला है। और बल्कि अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा और डलेगा, वरना जो इसकी कोरमे की ग्रेवी है वो ना गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी, उसमें मज़ा नहीं आएगा। चलिए मैं देखती हूँ कितना डालना है। आप लोग भी देखिए अंदाजे से डाल लीजिएगा। एक कप के करीब डल रहा है पानी, छोटा वाला कप, बड़े वाला कप नहीं, ठीक है। ये देखें क्योंकि पानी ने अभी वो सूख भी जाना है इसमें, क्योंकि अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए कवर करने लगी, ठीक है। ये मैं बाकी का पानी भी डाल रही हूँ। ये ले, अब मैं इसको इस तरह से 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको हटाते हैं कवर, तो देखते हैं। ये देखें कोरमा बहुत शानदार सा तैयार है। अच्छा, इसको ज़्यादा रेड कलर लाना हो ना तो फिर कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च जो है वो लाजमी डालनी है, ठीक है। मेरा मैंने टमाटर अगर डालूँ ना, जो हमारी प्योरी होती है, मैं तो रेडीमेड डालती हूँ प्योरी, तो उसमें रेड कलर ऑलरेडी शामिल होता है प्योरी में, तो उससे ये होता है कि ऑटोमेटिक ही खाना रेड हो जाता है। तो मुझे कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। देखें कितना शानदार सा कोरमा तैयार है। अब बस इसके ऊपर ना हल्का सा मैं ये अपना रजू क्योड़ा, ठीक है, कोरमे का ही है ये। ये देखें कोरमा, तो ये मुझे मिल नहीं रहा था, ये मेरे ना उसमें कैबिनेट में रखा था, मैंने कैबिनेट की सफाई की तो उसमें से मिल गया। मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, मेरे बच्चों ने शोर मचा देना कि स्मेल आ रही है, तो मैं बिल्कुल मामूली से चंद कतरे ही डाल रही हूँ, ठीक है। ये 1 टीस्पून तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कि इन्होंने शोर कर देना है इसमें कैसी स्मेल डाल दी आपने। तो मैं चूल्हा बंद कर चुकी हूँ और इसको मिक्स करते हैं। और इसके ऊपर पहले मैं अपने बेटे को निकाल दूँ, उसने जॉब पर जाना है, तो उसकी सहरी इफ्तारी दोनों मुझे देनी है, तो ये इसमें डाल देती हूँ। इससे डालती हूँ, चलिए ऑयल हटा के डालूंगी, उन्हें चीखना है कि आप क्या इसमें इतना ऑयल डाल देती हैं।
तो इसकी सहरी और अफ्तारी है, इसलिए मुझे ज़्यादा देना है। देखिए सारा ऑयल हटाना पड़ रहा है मुझे, वरना कोरमे में डलता ऑयल बहुत ज़्यादा है। ऑयल पे तो कोरमा बनता है, इसकी खूबसूरती ऑयल से आती है। दूसरा इसमें गरम मसाला अच्छा सा डला हुआ है। ये पर अदरक और हरा धनिया डाल दिया, गरम मसाला नहीं डाल रहे तो क्या हुआ। ठीक है, अदरक और हरा धनिया डाल दिया। मैं इसके ऊपर ज़रा सा गरम मसाला ऐसे छिड़क रही हूँ, मामूली सा। थोड़ी सी अदरक ऊपर डाल देते हैं इसके, ये देखें। ठीक है, ये हरी मिर्च काट ली है मैंने, थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देते हैं। डार्क कलर धनिया का ऊपर आ जाए, सिर्फ पत्ते ही डालने हैं और धनिया नहीं, वो डंडियाँ नहीं डालनी। ठीक है, चलें इसका डार्क कलर ऊपर लेकर आए धनिया का। चलें बस इतना ही काफ़ी है भाई, अच्छी प्रेजेंटेशन हो गई है। ये देखिए जी, मेरा कोरमा तैयार है, उनके साथ में रायता है और ये मेरे नान हैं। ठीक है, तो कोरमा कैसा लग रहा है? आज हमने कोरमा बनाया है और ये रोज़ादार जो हैं ये अपना नींद पूरी करके उठ के आ रहे हैं और अब जो है अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो जब अफ्तारी का टाइम हो जाता है तो फिर ये उठ जाते हैं। सुबह जॉब करके आया है और आके तो सो गया है, और एक जो है वो जॉब पे चला गया, उसकी जॉब का टाइम हो गया था इसलिए वो जॉब पे चला गया है। तो हम जो है अफ्तारी बना के बैठ गए हैं। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और पीछे मेरे मियाँ जी की बना फैलाया हुआ गंद है जो नज़र आ रहा है, इसलिए मैं कैमरा इधर से कर लेती हूँ ताकि वो नज़र ना आए। और देखें आपको कैसा लगा है मेरा कोरमा, कैसा स्टाइल है कोरमा बनाने का, बेहतरीन, आसान, बहुत ज़्यादा। मैं इसी तरह बनाती हूँ, मैं हर वो चीज़ बनाती हूँ जो आसान तरीके से बनती है, जो मुश्किल तरीके से बनती है वो मैं नहीं बनाती। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं उसको अवॉइड ही करूँ। मेरा ऐसे ही काम है। आज इफ्तारी नहीं बनाई तो ये सामने वाले के घर से इफ्तारी आ गई है, और खाली कोरमा बनाया था, सोचा था कि कोई ज़्यादा चीज़ नहीं बनाएंगे। ओहो, इतने पकौड़े, और ये क्या है, ये पुलाव है। जज़ाकअल्लाह भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें दस्तरखान अल्लाह ताला सजा देता है किसी ना किसी तरह। आज मूड नहीं था कुछ ज़्यादा बनाने का ना, आज मूड था बस खाली कोरमा खाएंगे, ताकि ये पकोड़े कल बहुत ज़्यादा खा लिए थे ना, अचानक ही बनाए, हालांकि बनाने तो थे नहीं, तो चिकन भी बना लिए थे और वेजीज के भी थे, तो वो बहुत ज़्यादा हो गए थे कल। ये दही बड़े हैं। रमज़ानुल मुबारक का, इबादतों का महीना, रहमतों बरकतों का महीना, दुआओं का महीना। तो इसमें जितनी ज़्यादा आप दुआएं और इबादतें कर सकते हैं वो करें। और रोज़ा के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो खजूर और दूसरा पानी। तो अफ्तार के वक़्त खजूर और पानी का होना बहुत ज़रूरी है, तो अगर खजूर मैसर ना हो तो पानी से ही रोज़ा खोल ले। तो अल्लाह ताला ने हमें तो हज़ारों नेमतें अता की हैं, हमारा दस्तरखान इस कदर खूबसूरती से सजा होता है, तो
तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा उसका शुक्र गुजार हो रहना चाहिए और इस बाबरकत महीने में गरीबों का ख्याल रखें और अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें और ध्यान रखें इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग जो गरीब हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।